सुभाष चंद्र बोस अपनी पढ़ाई को पूरी करके अपने घर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस अपने कमरे में लेटे हुए होते हैं तो भारत माता सुभाष चंद्र बोस के सपने में आती है और कहती है कि बेटा उठ खड़ा हो। सुभाष चंद्र बोस कहता है कि आप कौन? भारत माता कहती है कि बेटा एक तेरी वो माँ है जिसने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है और एक मैं वो तेरी माँ हूँ जो आजीवन भर तुझे अपनी कोख में रखूंगी। और कैसे क्या बताए यहाँ का वाला कवि ने कैसे। हर बार
देते हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। नाम नहीं बता रहे, गुप्त दान दे रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 रुपए इधर से देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं सभी का। और दूसरी बात में मेहरबानो, भारत माता सुभाष चंद्र बोस से एक बात कहने लगी कि बेटा, एक वो माँ होती है जिसकी कोई औलाद नहीं होती और एक वो माँ होती है जिसकी औलाद होती है। मैं तो वो माँ हूँ जिसकी औलाद है, इसलिए मैं तुझे जगाने के लिए आई हूँ। दूसरी बात में कैसे कहने लगी, भूमि
सुनने वाली बात बता दी, कैसे क्या बताया। धन्यवाद।